हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जेंट्स कमीज की कटिंग। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि सामने प्लेट लगता है, पेट के ऊपर जो प्लेट लगता है, और साइड शोल्डर में भी मतलब प्लेट रहता है, और नीचे भाग जो होता है वो राउंड रहता है, तो इसी को हम कमीज कहते हैं। तो आइए आज सीख लेते हैं इस वीडियो में इसकी कटिंग। तो सबसे पहले हम इसकी आपको साइज बता दें। इसकी लंबाई जो है 32 इंच है, और इसका सीना ही 32 इंच है, और इसका शोल्डर जो है 17 इंच है, और आस्तीन की लंबाई 23 इंच है, यानी गला 14 इंच है, जिसको हम कॉलर बोलते हैं। और 32 इंच लंबाई के लिए हमको 2.5 मीटर कपड़े चाहिए। इसके लिए इतना कपड़े पर्याप्त हो गए। तो आप देख सकते हैं, हमने इस तरह से कपड़े को फोल्ड किया है। अब कपड़ा हमने उतना ही फोल्ड करना है जितना हमको हमारा मेजरमेंट इसमें बैठ जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ साइड में हमको 1.5 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से, और हमको सीधे स्केल से 1.5 इंच पट्टी के लिए एक्स्ट्रा निकाल लेना है कपड़ा हमको। इस तरह से हम इसमें लाइन खींचेंगे, जहाँ तक हमारी लंबाई जा रही है वहाँ तक हम इसको लाइन खींच देंगे। अब ऊपर भी हमको एक लाइन खींच देना है इस तरह से, और यहाँ से हमको लंबाई नापना है। 32 इंच है तो हम 33 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और शोल्डर हमारा 17 इंच है तो 8.5 इंच आएगा, उसका आधा यानी हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। सीना हमारा 32 है तो उसका चौथा भाग हम 8 इंच यहाँ नीचे लगाएंगे, और यहाँ से भी हम 8 इंच यहाँ पर जो हमने पट्टी खींचा हुआ है यहाँ से 8 इंच पर निशान लगाएंगे, और इसमें हम प्लस 2 इंच इसमें हम लूजिंग देंगे 2 इंच, क्योंकि ये मीडियम लूजिंग होना चाहिए। और यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे 15 इंच पर। अब हमने ये 3 लाइन मिला दिया है। अब इसको हमको सीधे स्केल से इस तरह से हमको खींच लेना है। आप देख सकते हैं, और नीचे भी। अब आप देख सकते हैं साथियों, जैसा कि हमने यहाँ निशान लगाया 10 इंच पर निशान लगाया है, और ये शोल्डर का निशान हमारा जो है 9 इंच पर लगाया है, तो हमको 9 इंच पर यहाँ मिला लेना है, और इसको हमको आधा इंच इसमें माइनस कर देना है। अब हमारा लाइन यहाँ से जो हमने आधा इंच माइनस किया हुआ है, इसी पर हमारा लाइन इस तरह से जाएगा। अब यहाँ हम आर्म होल की निशान लगा देंगे। ये हमारा चौथा भाग है, और चौथा भाग इसमें 2 इंच प्लस हमने लूजिंग दिया है, और यहाँ से हम अब यहाँ से 1.25 इंच हम यहाँ निशान लगाएंगे, और यहाँ हम 2.5 इंच गले का निशान लगाएंगे, यहाँ भी 2.5 इंच का लगाएंगे इस तरह से, और हमको इस तरह शेप दे देना है, और हमको इस तरह से इसको लाइन खींच देना है इस तरह से। अब दोस्तों, यहाँ कमर का भी निशान इसी तरह लगेगा। कमर हमारा 30 इंच है तो उसका चौथा भाग 7.5 इंच होगा। फिर यहाँ से हम 2 इंच लूजिंग लेंगे, ये हमारा 0.5 इंच डाउन हो गया। तो हमको अब क्या करना है, हमको एक शेप लेना है इस तरह से, और इस तरह से हमको यहाँ एक शेप मारना है, और फिर हमको यहाँ से ये शेप को इस तरह से ले जाना है इस तरह से। थोड़ा सा हमने कमर का डाउन किया हुआ है। अब नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमको ये हमारा लूजिंग हो गया। यहाँ जितना देख सकते हैं आप, जितना यहाँ है हमारा ये 10 इंची, तो यहाँ हम थोड़ा सा 10 इंच हमारा आ रहा है, तो हम एक इंची यहाँ एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा सा चढ़ा उतार होना चाहिए कमीज, कभी भी कमीज इसी तरह से कटिंग होता है। अब यहाँ से हम इसको राउंड का निशान लगाएंगे, यहाँ से हम 3 इंच उठाएंगे इस तरह से, और इस तरह से हमको इस तरह से राउंड कर देना है, यहाँ से राउंड कर देना है। अब हमारी कटिंग हो गई। अब हम इसको अब कटिंग कर देंगे, हम इस तरह से पूरा इस तरह से कटिंग कर देंगे। दोस्तों, हमको थोड़ा सा हल्का इसको राउंड कर देना है इस तरह से बस, और ये हमारा राउंडदारी फ्रंट कटिंग हो गया है। अब हम बैक कटिंग के दिखाएंगे आपको। अब दोस्तों, हमने कपड़े को हमने फोल्ड किया है फिर उसी तरह से जैसा हमने पहले फोल्ड किया था, और फिर इसको हम फ्रंट को इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। हमको इस तरह से रखना है, और यहाँ तक रखना है हमको। ये जो हमारा लाइन है यहाँ हमको सीधा कटिंग कर देना है,
और अब इसको बाद हमको क्या करना है कि यहाँ हमको 2 इंच का निशान लगाना है यहाँ से यहाँ तक इस ट्रेंड में। अब इसको हमको ऊपर की साइड ले जाना है बैक के ऊपर साइड में। अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा पट्टी हमने जो निशान लगाया था ये प्लेट के लिए पट्टी एक्स्ट्रा पट्टी है, ये कटिंग ये नाप से एक्स्ट्रा में रहता है ये हमेशा भी। तो अब यहाँ पर हमने बरोबर रख दिया है और यहाँ 2 इंच हमने बैक को फ्रंट को बढ़ा ऊपर बढ़ा दिया है आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम फिर इसको ये जो हमारा निशान है यहाँ से हम इसको सीधा यहाँ से सेव दे देंगे, ये आर्म होल हमारा यहाँ फिर कटिंग हो जाएगा। इस तरह से हमको इसको कटिंग कर लेना है, हमको इस तरह से पूरा कटिंग कर लेना है। अब दोस्तों हमने इसको कटिंग कर दिया है बराबर से, तो आप देख सकते हैं अब हमको यहाँ पोच का निशान लगाना है, हमको यहाँ से 7-7.5 इंच पे निशान लगाना है और फिर हमको यहाँ से 6 इंच 5.5 इंच आप जो भी लगा सकते हैं लगा सकते हैं, यहाँ से इस तरह होगा। तो हमारा ये बैक फ्रंट कटिंग हो गया, अब हम आपको इसकी अस्तिन काट कर दिखाएँगे और इसका शोल्डर। अब हमको ये इस भाग को छोरे वाला दूसरा भाग हमको लेना है और इस तरह हमको इस घड़ी करना है इसको, इस कपड़े को दोनों पल्ले को लेना है इस तरह से और हमको इस तरह से क्रॉस घड़ी करना है इस तरह से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों चूंकि हमको यहाँ चौड़ाई जो आर्म होल का लेना है हमने उसमें 8 इंच सीने का चौथा भाग लिया था, तो हमको यहाँ 8 इंच हमको इसकी चौड़ाई रखना पड़ेगा यहाँ तक, एक किनारी छोड़ करके भी कभी भी नाप लेना चाहिए। अब यहाँ हमने 8 इंच पे निशान लगाया, इसकी चौड़ाई 8 इंच है। अब आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से सीधी लाइन खींच देते हैं इस तरह से यहाँ से। अब हमको यहाँ से लंबाई लेना है, अस्तिन की लंबाई हमारी 23 इंच है, तो हम यहाँ से 23 इंच इसका निशान लगाएंगे। 23 इंच हमारा ये निशान हो गया, आधी इंच लग लिया 23.5 इंच। अब इसमें हम 2 इंच का जो 2.5 इंच का कफ लगाएंगे तो उतना हमको इसमें माइनस कर देना है, तो हम 2.25 इंच इसमें माइनस कर दे रहे हैं। अब यहाँ से हम निशान लगा लेंगे, ये हमारा निशान लग गया और आर्म होल के लिए हम यहाँ 2.5 इंच इसको हम डाउन करेंगे और हम यहाँ से इस तरह से ऐसा सिलाई सेप दे देंगे इस तरह से, ये हमारा आर्म होल का सीधा निशान हो गया और इस तरह से हमको ये इसको सीधा कटिंग करना है। दोस्तों अगर शर्ट में अस्तिन कटता थोड़ा सेप दिया जाता है फिटिंग के लिए, अब इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा आर्म होल कट गया, आस्तीन कट गया। अब इसको हमको थोड़ा सा यहाँ से दे देना है, ये चूंकि हमारा फ्रेंड में भाग आएगा यहाँ हम कट मार देंगे हल्का सा और हमको चाक के लिए यहाँ निशान लगाना है, हम यहाँ से 4 इंच निशान लगाएंगे और इसको 5 इंच पे, तो हम यहाँ से एक सीधा। दोस्तों याद रहे ये जो चाक कटता है ये बैक साइड में कटिंग होगा, ये आप देख सकते हैं। अब हम आपको शोल्डर कटिंग कराएंगे दिखाएंगे। अब दोस्तों शोल्डर जैसा कि हमारा 17 इंच है तो हम 9 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से और हमको स्केल से इस तरह से हमको एक लाइन खींच लेना है। अब हमको यहाँ गला 1.5 इंच डाउन करना है बैक शोल्डर का गला, यहाँ से हमको 2.5 इंच क्योंकि 2.5 इंच हमने वहाँ लिया था और यहाँ हमको 2 इंच डाउन करना है, तो इस तरह से हमको यहाँ से निशान मार लेना है और इस तरह से यहाँ तक। तो हमने इस तरह से निशान लगा लिया और हमने डाउन कर दिया, अब हमको शोल्डर को कटिंग कर लेना है इस तरह से। इस तरह से हमको शोल्डर कटिंग करना है, ये किनारी आपको कटिंग करके निकालना है इस तरह से। अगर आपको साइड पॉकेट लगाना है तो उसके लिए आप पॉकेट लगा सकते हैं, यहाँ से चौड़ाई हम 7 इंच लेंगे और यहाँ से भी हम 6.5 इंच निशान लगाएंगे और इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे, सीधी इस बात है। और ये किनारी भी निकाल देना है हमको इस तरह से और हमको इस तरह से इसको राउंड कटिंग कर देना है। तो
ये थी दोस्तों पूरा वीडियो कमीज कटिंग करने का, हमने पूरा प्रोसीजर आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आप कमीज काटना सीख गए होंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद लगा है तो शेयर लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलते मिलते हैं एक नई कटिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।